कांग्रेस है उनको जनता ने डिफीट किया था, वो पराभूत हुए थे और उसके बावजूद वो सत्ता में आ गए, तो उनको ये समझना था कि वो हार चुके हैं और केवल शिवसेना के वजह से वो लोग सत्ता में आ गए। फिर भी उन्होंने शिवसेना को ख़त्म करने की कोशिश की। शिवसेना के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लोग जाते थे और उनका जो पराभूत उम्मीदवार है उसको वो ताकत देते थे और वहाँ से पब्लिकली अनाउंस करते थे कि ये आपका अगला विधायक रहेगा, ये आपका अगला ये आपके अगले एमपी बनेंगे। तो ये जो उनकी कोशिश है वो कोशिश हमारे आंखों के सामने हो रही थी और इसके बावजूद कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और जनता का भी ये कहना है कि आपका जो ओरिजिनल विचार है, आपकी जो विचारधारा है, विचारधारा पे पॉलिटिकल पार्टी चलती है, तो उस विचारधारा को आप मत छोड़िए। उसके बावजूद भी एक डेढ़ साल तक हमारा ये कहना माना नहीं गया। उसके बाद जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो महाराष्ट्र में हो गया, वहाँ पे दूसरे हमारे जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उन्होंने जो हमें एमएलए दिए थे जो हमको वोट करने वाले थे, तो इनके प्रवक्ता है शिवसेना के और संजय राउत, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सब एमएलए संतप्त हो गए और इसका परिणाम आगे आने वाले एमएलसी के इलेक्शन में दिखाई दिया। और उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई है और मैं खुद प्रेस को ब्रीफ करता हूँ, तो मैंने खुला लेटर भी लिखा था उद्धव साहब को कि आज भी आप समझ के ये जो महाविकास आघाड़ी है उससे बाहर आ जाइए, हम लोग सब जो एमएलए थे वापस आपके पास आ जाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति निश्चित करेंगे और बीजेपी के साथ एक अच्छा सरकार, अच्छी सरकार बना के हम लोग महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से और वो भी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए ये रेजिग्नेशन आ गया। और रेजिग्नेशन तो उद्धव साहब इतने सेंसिटिव है कि पहले ही उन्होंने हमारे बारे में एक हमको वीडियो बन निकाल के उनका भेजा था और उन्होंने अपील की। आपको पता चलेगा आगे की जो हमारी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, आपको पता चलेगा। बिल्कुल करेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। जब पवार साहब वापस आ गए तो उनका वो जो ये था स्टैंड था उसमें चेंज हो गई और एक लीगल बैटल चालू हो गई महाराष्ट्र में, जिसमें एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की, बहुत बुरे बुरे स्टेटमेंट संजय राउत जी की तरफ से इश्यू किए कहे गए, जिन्हें जिसमें बहुत बुरी तरह से हमको उसमें उन्होंने संबोधित किया, उसमें हमको सुअर बोला गया, उसमें हमको मरा हुआ आदमी बोला गया, उसमें हमारे पोस्टमार्टम करने की बात की गई, हमारे फैमिलीज के बारे में बहुत गलत गलत शब्द यूज़ किए गए। तो ये सब होने के बावजूद अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि ये जो एमएलएज है जिनका दिल आपने दुखाया है वो वापस आपके पास आए और आपके पास डिस्कस करे, तो इसके लिए कोई तैयार नहीं था। क्योंकि आज भी यही जो संजय राउत जी है आज भी स्टेटमेंट निकाल रहे, आज उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है कि आपने हमारे पेट में खंजीर को ये किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने बिट्रे किया, हमने बिट्रे किया है क्या? हम लोग जनता के सामने गए थे और सेना भाजप इकट्ठा गए थे और जनता ने जो मत दिया है वो भी सेना बीजेपी को दिया है, ना कि कांग्रेस और एनसीपी को दिया है। तो खंजीर किसने किसके पीठ में ये किया है वो तो जनता जानती है। तो राहुल जी ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कुछ करो और उस उल्टा हमें ही बोलो, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसे ही कहावत है। तो ऐसे ही हो गया कि आप हमें बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें जो भी मांगना था हमने हमारे सीएम साहब को हमारे पार्टी लीडर के पास मांगा है, उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ तो हमने बोल के हम लोग गए हैं। और आपको भी मालूम है कि इसके बारे में लोग नाराज़ हैं, तो आपको ये नाराज़गी निकालनी चाहिए थी,